नए साल की शुरुआत हो चुकी है और सरकारी से निजी बैंकों ने ग्राहकों से पैसे वसूलने की तैयारी कर ली है। अब 20 जनवरी से बैंक की किसी भी शाखा में जाना आपको भारी पड़ सकता है, या फिर यूं कहें कि अब अपने ही पैसे जमा करवाने के लिए आपको अपनी जेब ढीली करनी पड़ सकती है। ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि 20 जनवरी से तमाम सरकारी और निजी क्षेत्रों के बैंक शाखाओं ने अब तक दी जाने वाली उन तमाम सेवाओं के लिए शुल्क वसूलने का मन बना लिया है। अब पैसे निकालने, जमा कराने, मोबाइल नंबर बदलवाने, केवाईसी, पता बदलवाने, नेट बैंकिंग और चेक बुक के लिए आवेदन करने जैसी तमाम सुविधाओं के लिए बैंक ने चार्ज करना शुरू कर दिया है। यहाँ तक कि जिस शाखा में आपका खाता है उससे इतर किसी दूसरी शाखा में जाकर बैंकिंग सेवा लेने पर भी अलग से शुल्क लिया जा सकता है। शुल्क पर 18% GST भी लगेगा, जो कि आपके खाते से काट लिया जाएगा। फिलहाल बैंक के इस कदम पर आधिकारिक मुहर नहीं लगी है, लेकिन सूत्रों की माने तो नए शुल्कों को लेकर आंतरिक आदेश मिल चुके हैं। ऐसे में अगर 20 जनवरी से निशुल्क सेवाओं पर भी चार्ज लगता है तो तमाम टैक्स के बोझ से दबी आम जनता पर एक और बोझ बढ़ जाएगा। न्यूज एक्सप्रेस की रिपोर्ट।